हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बुक ओला कैब। गाइस, वैसे ये टॉपिक बहुत इजी है, बट गाइस आज भी कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ओला कैब या ऐसे न्यू एप्लीकेशन यूज़ करने में। आजकल की जनरेशन के लिए स्मार्टफोन यूज़ करना बहुत ईजी है, बट गाइस अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे टॉपिक यूज़फुल लगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया है, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, हम लोग आ गए हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ओला बुक कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ओला कैब। गाइज़, आप बस ओला कैब लिखोगे तो आप देख सकते हो जो लोगो बन के आ रहा है, यही वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। 16 MB की है ये। तो गाइज़, इसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइज़, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है, आपके स्मार्टफोन में शॉर्टकट बन जाएगा। तो गाइज़, आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टकट बन गया है। तो इसको जब सिंपली ओपन करेंगे तो सबसे पहले गाइज़ यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो गाइज़, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। एंड गाइज़, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक OTP आएगा आपके उसी नंबर पर, तो OTP आपको डालना है। गाइज़, सबसे पहले यहाँ पर फुल नेम आपको डालना है, तो मैं अपना नाम शशांक तिवारी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो ईमेल का भी ऑप्शन है, बट वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो। तो गाइज़, मैंने ईमेल नहीं डाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, योर ओला अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड गाइज़, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर लोकेशन को अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो गाइज़ आप अलाउ कर देना। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो टू कंटिन्यू टर्न ऑन डिवाइस GPS। तो गाइज़ सॉरी बैक हो गया। तो यहाँ से आप ओके दबाओगे तो आपकी जो GPS लोकेशन है वो ऑन हो जाएगी। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये एक यूज़र इंटरफेस आता है इस एप्लीकेशन का, तो जब भी आप ऑन करोगे ये इंटरफेस बन के आपके सामने आएगा। तो गाइज़, पिकअप लोकेशन आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आप सर्च करके जो भी आप चाहो वो आप डाल सकते हो अपनी पिकअप लोकेशन। तो गाइज़, इसको मैं छोड़ दे रहा और मैं अभी दिखाता हूँ। ये गाइज है एंटर ड्रॉप लोकेशन, तो आप जो भी चाहो वो एंटर कर सकते हो। तो एज़ अ एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलीगंज। तो गाइज़, मैं यहाँ सिंपली आप देख सकते हो पहले ही आ गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो उस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो गाइज ड्रॉप लोकेशन हो गई है। और उसके बाद गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आने लगा है, माइक्रो मिनी प्राइम। एंड गाइज, उसके ऊपर आप देख सकते हो टाइम भी लिखा है कि 9 मिनट में मिनी माइक्रो आ जाएगी, एंड प्राइम अभी नहीं है इसलिए उसके ऊपर लोडिंग हो रहा है। उसके बाद गाइज आप देख सकते हो ये बाइक है, ऑटो है। एंड गाइज शेयर करने, ये रेंटल भी है। एंड गाइज आप देख सकते हो ये शेयर करने का ऑप्शन है, ये जो ओपन कार है। तो गाइज ये सारे ऑप्शन हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं मिनी पर सेट करता हूँ, मिनी छोटी गाड़ी होती है एंड माइक्रो थोड़ी बड़ी होती है। तो गाइज उसके बाद आप देख सकते हो जब मैंने मिनी पे कर दिया तो यहाँ पे मैप में अगल बगल जितनी भी ओला कैब की गाड़ी है वो शो होने लगी है मैप में। और हाँ गाइज, कभी भी आप ऐसे ये मूव मत करना, उससे होगा कि आपका जो पिकअप लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। ये गलती गाइज आप कभी भी मत करना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे आपको कभी भी मूव नहीं करना है, वरना वो जो आपका ड्रॉप लोकेशन पिकअप लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। और गाइज आप उसके बाद दोबारा अपनी पिकअप लोकेशन सही कर सकते हो जहाँ पर आप वो एड्रेस लिख के। उसके बाद गाइज आप, चलिए मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अभी मेरी पिकअप लोकेशन डिस्टर्ब हो गई है पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ तो मैं आराम से मूव कर सकता हूँ। तो गाइज उसके बाद आप देख सकते हो जैसे मैंने ये लोकेशन सेट कर दी ये, तो गाइज उसके बाद देखिए आप सर्च कर रहा है सारी कार को कि ये आएगी कि नहीं, अभी ये सर्च कर रहा है सबके ऊपर। तो उसके बाद गाइज आप देख सकते हो थोड़ा लोडिंग ले रहा है। उसके बाद गाइज मैंने सेलेक्ट कर दिया था मिनी पे, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो ये इंश्योर योर डेली राइड एट जस्ट 1 per ride। तो गाइज ये 1 rupees लेगा पर राइड का। इसमें होगा क्या कि ये पर्सनल एक्सीडेंट एंड हॉस्पिटल एक्सपेंस एंड मिस्ड फ्लाइट, गाइज ये सब कुछ इसकी फैसिलिटीज़ है। हर राइड का ये 1 rupees लेगा, तो इससे क्या करेगा कि अगर आपकी फ़्लाइट मिस होती है या पर्सनल एक्सीडेंट होता है तो उसको सिक्योर करेगा। तो गाइज आप देख सकते हो ये 168 rupees में मुझे मेरी लोकेशन से पिकअप करके अलीगंज छोड़ेगा। तो इसमें अब आपको गाइज करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो
पर्सनल का है, इसमें चूज़ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो लोग कि आप किसके लिए ओला बुक कर रहे हो, तो इसको पर्सनली रहने देते हैं। और अप्लाई कूपन का है तो अभी कोई कूपन है नहीं, तो आपको सिंपली कंफर्म बुकिंग कर देना है गाइज। सॉरी वो थोड़ा वाटरमार्क की वजह से दिख नहीं रहा है, नीचे कंफर्म बुकिंग है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये जो आपकी बुकिंग है ओला की ये कंफर्म हो जाएगी। तो गाइज मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो गाइज अब आप देख सकते हो सर्चिंग फॉर मिनी, जो मैंने मिनी सेट किया था कि छोटी गाड़ी मुझे चाहिए, तो अब वो सर्च कर रहा है अगल बगल लोकेशन पे कौन सी है, जो भी होगी वो डायरेक्ट ले लेगा गाइज। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट मारुति सुजुकी वैगन आर बुक हो गई है, बुकिंग कंफर्म लिख के आ रहा है। और गाइज आप देख सकते हो ये जो ड्राइवर है उसके ऊपर ओटीपी आ रहा है, तो यही ओटीपी गाइज जब आप उस ड्राइवर को बताओगे ओला कैब के तब वो राइड ऑन करेगा। एंड गाइज आप ऊपर देख सकते हो ये दिखा रहा है मैप में कार की लोकेशन, आपको जहाँ पे पिकअप करना है 3 मिनट में आ जाएगी आपकी ओला कैब। तो गाइज ये होता है पूरा प्रोसेस कैसे ओला कैब को बुक करते हैं। एंड गाइज ये जो यहाँ पे ओटीपी है वो आप अच्छे से देख लो, जब ओला कैब आएगी तो आपको यही ओटीपी बताना है ओला कैब ड्राइवर को, उसके बाद ही आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। एंड गाइज अगर आप चाहते हो कि ये राइड नहीं जाना है, अगर आपको ये कैंसिल करना है, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे कैंसिल राइड का भी ऑप्शन है, सिंपली आप उस पर टच कर दोगे तो आपको कैंसिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब ऑप्शन आ गए हैं, तो मैं लिख देता हूँ माई रीज़न इज़ नॉट लिस्टेड, उस पर टच करने के बाद आपको सिंपली कैंसिल पे टच कर देना है। तो गाइज आप देख सकते हो बुकिंग कैंसल्ड का मैसेज आ गया है, इट मीन्स कि आपने जो बुक की थी ओला वो कैंसिल हो गई है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thanks.